वाड़ी थाना क्षेत्र के दत्तवाड़ी स्थित एक्सिस बैंक की एटीएम इमारत में एक युवक पर उसकी प्रेमिका ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे क्षेत्र में एक ही कोहराम मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाड़ी दत्तवाड़ी स्थित एक्सिस बैंक एटीएम वाले काले के आवास पर हुए 27 वर्षीय अक्षय ढोके 3 साल से अपने दो दोस्त के साथ किराए के कमरे में रह रहे थे। 2 साल से अक्षय 30 वर्षीय आरोपी पूजा गोस्वामी आदर्शवाड़ी प्रगति कन्या स्कूल इसके साथ प्रेम संबंध में था। शुरू में प्रेम प्रसंग हुआ और फिर प्रेम प्रसंग शारीरिक संबंध में बदल गया। उनके दोस्त तुषार भोयर का मोबाइल नंबर से फोन पर बात करते हुए अक्षय ढोके ने कहा कि उनकी प्रेमिका पूजा गोस्वामी 5 मिनट पहले मेरे कमरे में आई थी, मुझसे बहस हुई, शादी के लिए मुझे बोला और मुझे चाकू मार दिया। उन्हें दाहिनी गर्दन, बाएं गाल, कलाई में चाकू मार दिया गया था, जांघ और पीठ घायल कर दिया। अक्षय घायल अवस्था में 1 किलोमीटर दूर दत्तवाड़ी चौक तक गिरते पड़ते गया। घायल अक्षय को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। साथ ही 1 महीने पहले अक्षय की गर्लफ्रेंड पूजा ने उसके माँ से फोन पर दोस्ती छोड़ दी थी और मुझसे शादी नहीं करने पर मिलने की धमकी दी थी। आरोपी पूजा गोस्वामी द्वारा कथित तौर पर वाड़ी में पेश होने के बाद अक्षय को जान से मारने की कोशिश करने के बाद आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सूचना मिलने पर पुलिस उपायुक्त जोन 1 लोहित मतानी, सहायक पुलिस आयुक्त वाड़ी थाना की वरिष्ठ निरीक्षक ललिता तोड़ा से मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को भांपते हुए आरोपी पूजा गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एपीआई गणेश फूलकर आगे की जांच कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पूजा गोस्वामी का पहले पति से डिवोर्स लेकर घायल अक्षय के साथ अफेयर में थी। घायल अक्षय के कमरे में वो आने जाने लगी। झगड़ा होने पर अक्षय को किचन में सब्जी के चाकू से जान से मारने की कोशिश की। प्यार में डूबे नागरिकों और युवाओं को इस बात से सावधान रहने की जरूरत है कि ऐसी घटनाएं कहां पर फिर न हो। दिनांक 17/1/2022 की घटना है। रात्री 9:50 ते 10 वाजताच्या दरम्यानचा। यातील आरोपी पूजा गोस्वामी ही अक्षय ढोके यांच्याशी 2020 पासून मैत्री होती आणि ती ऑलरेडी डायवर्स झालेली बाई आहे। तिने अक्षयसोबत संबंध जोडला 2020 मध्ये आणि नंतर मग लग्न करतो असं अक्षयनी तिला सांगितलेला होता। जोपर्यंत मोठा भाऊचं लग्न होत नाही तोपर्यंत तुझ्याशी लग्न करणार नाही असं अक्षय ढोकेने म्हटला। त्या कालावधीमध्ये हिने त्याचे घरी त्यांच्या आईवडिलांना सुद्धा फोन करून धमकी दिलेली होती की अगर माझ्याशी अक्षय जर लग्न नाही केला तर मी पाहून घेईन म्हणून परत ती 17 तारखेला अक्षय ढोकेच्या रूममध्ये जाऊन त्याच्याशी वाद घालून त्याला तिथल्याचे एका चाकूने मारून जखमी केला। अक्षयला नंतर हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलेला आहे। सध्या तो वेलट्रीट हॉस्पिटल येथे भरती असून उपचार सुरू आहे। त्याचा उजव्या मानेला, डाव्या गालावर, हाताचे मनगटावर आणि मांडीला मार लागलेला आहे। BCN News के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।